So in today's class, we have to study about the operating characteristics of a TCR, thyristor controlled reactor. अभी तक जो हमने पढ़ा है, we have studied about your three phase reactor TCR and your 12 pulse TCR. जो हमारा three phase 6 pulse TCR था, ये क्या कर रहा था? जो हमारे triplet harmonics हैं, उसे cancel out कर रहा था. Line में हमारे कोई भी triplet harmonics present नहीं होते थे. एंड इन 12 पल्स टीसीआर हमने देखा कि थर्ड हार्मोनिक ट्रिपलन हार्मोनिक्स नहीं थे एंड इन एडिशन टू दैट जो हमारे फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक्स थे वो भी कैंसिल आउट हो रहे थे. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर. जो हमारा टीसीआर है, सो द टीसीआर वी कैन ऑपरेट इट विद वोल्टेज कंट्रोल और विदाउट वोल्टेज कंट्रोल. So your TCR can be operated with or without voltage control. So जो सबसे पहले हम देखेंगे, we will see the operating characteristics of a TCR without voltage control. Without voltage control. So without voltage control, the first characteristics that we study are the VI characteristics. VI characteristics. Along this axis will be the voltage and along this axis will be the current. This will be the current through the SVC and this will be the voltage through the SVC. So TCR jo it is a part of SVC. So yahan par hum consider kar sakte hain ki jo hamara SVC hai isme sirf ek TCR laga hua hai. तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कैसे चेंज होंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट वोल्टेज कंट्रोल. सो व्हेन देयर इज नो वोल्टेज कंट्रोल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे चेंज समवट लाइक दिस. सो दीज आर वेरियस वैल्यूज ऑफ your voltage and current for different values of alpha. So if your alpha is equal to 90 degree, for alpha equal to 90 degree hume ye wala characteristic milega. For alpha equal to 90 degree aisa characteristic milega. For alpha equal to 120 degree hume aisa characteristic milega. And for alpha equal to 140 degree we will get this characteristic. तो यहाँ पर आप देखिए अल्फा इक्वल टू 90 पे क्या हो रहा है, अल्फा इक्वल टू 120 पे क्या हो रहा है, अल्फा इक्वल टू 140 डिग्री पे क्या हो रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं, द वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे विल हैव डिफरेंट स्लोप्स. हियर यू हैव अ डिफरेंट स्लोप, हियर द स्लोप हैज इंक्रीज्ड, हियर द स्लोप इज इंक्रीजिंग इवन मोर. तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट स्लोप्स आ रहे हैं, ठीक है. सो फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डी अगर हम एक इंटरमीडिएट वोल्टेज लेंगे, आप कोई वोल्टेज ले लो, कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, टेक दिस वैल्यू वी नॉट. सो आई हैव टेकन सम इंटरमीडिएट वैल्यू. और अब देखिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा व्हाट विल बी द करंट. सो फॉर अल्फा इक्वल टू 140 डिग्री दिस विल बी योर ऑपरेटिंग करंट. अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट कम है. फॉर सेम वोल्टेज फॉर अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री this is the current. And for the same voltage for alpha equal to 90 degree yahan par kya ho raha hai, maximum current draw ho rahi hai. So this is your current for alpha equal to 90 degree, this is the current for alpha equal to 120 degree, and here this is your current for alpha equal to
140 degree. अगर आप अल्फा का एक और वैल्यू ले लोगे अलोंग दिस लाइन, तो यहां पर आप देखोगे अगर अल्फा को और शिफ्ट कर दोगे तो एट दिस टाइम हमारा जो करंट है वो दैट विल बी जीरो. सो फॉर अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री करंट विल बी जीरो. ये हमने केस पढ़ा हुआ था फॉर अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज जो आपकी ससेप्टेंस है दैट इज जीरो. सो नो करंट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द टीसीआर. तो यहां से हम क्या देख रहे हैं फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक. अब एक और चीज अगर आप देखोगे, हम अगर एक कोई एक वैल्यू ले लो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और आप यहां पर क्या देख रहे हो, ये एक आपके पास ये वाला कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, आप एक वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओ. देखो अगर ये वोल्टेज है so this is the value of current, यहाँ पर ये वोल्टेज है, this is the value of current. तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे करंट भी बढ़ती है. सो फॉर अ गिवन अल्फा, फॉर अ गिवन अल्फा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज करंट विल इंक्रीज. तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा आपका करंट होगा, उतना ज्यादा जो हमारा TCR है इट विल एब्सॉर्ब द रिएक्टिव पावर. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ TCR, बट दिस इज विदाउट वोल्टेज कंट्रोल. जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा, वन मोर थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विदाउट वोल्टेज कंट्रोल एंड विद वोल्टेज कंट्रोल. विदाउट वोल्टेज कंट्रोल आपकी वोल्टेज चेंज होती है, विद वोल्टेज कंट्रोल हम वोल्टेज को एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे सेट करके रखते हैं. तो यहां पर वो चीज नहीं है, आपकी वोल्टेज बढ़ रही है तो बढ़ रही है. जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा दैट इज TCR SVC ससेप्टेंस कैरेक्टरिस्टिक. TCR SVC susceptance characteristic में क्या होता है, देखो TCR जो है it is the main component of SVC. हमने देखा था कि हमारा SVC जो है, अगर हमारे पास एक TCR लगा हुआ है तो it is the main component of your SVC. आपके पास इसके अलावा होता है you have a thyristor, switch capacitor, you have filters, लेकिन अगर वो चीज नहीं भी होगी, अकेला TCR भी जो है it can be a part of SVC. उस टाइम पे क्या होता है, TCR ही आपका SVC की तरह काम करता है. तो जो TCR है इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर SVC अलोंग विद योर कैपेसिटर्स एंड फिल्टर्स. ये कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, इट शोज कि कैसे SVC का ससेप्टेंस जो है वो कैसे चेंज करता है अलोंग विद द ससेप्टेंस ऑफ TCR. तो अगर आप TCR, ये आपके पास ये आपकी वो मीडियम वोल्टेज लाइन है, यहाँ पर आपकी मीडियम वोल्टेज लाइन होती है, इसके साथ क्या होता है, एक तो TCR कनेक्टेड होता है, इसके अलावा आपके थायरिस्टर, स्विच्ड कैपेसिटर होते हैं, फिल्टर होता है, और ये जो पूरी असेंबली है इसे हम क्या बोलेंगे, SVC. तो अगर आप यहां पर क्या करते हो, अपने TCR की ससेप्टेंस चेंज करते हो, तो आपके टोटल SVC की ससेप्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वही आपका ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है, TCR SVC ससेप्टेंस characteristics. This is your susceptance and this is the SVC susceptance. So ye dega aapko susceptance of SVC and this gives you the susceptance of TCR.
So for alpha equal to 90, the susceptance of TCR will be maximum, and the susceptance of SVC it will also be maximum. और जैसे जैसे आप susceptance के value को, आप alpha के value को कम करते जाओगे, आप देखोगे susceptance भी कम होती जाएगी. तो sorry, जैसे जैसे आप alpha को बढ़ाओगे, so for alpha equal to 110 degrees susceptance का value कम हो जाता है. जैसे TCR की susceptance कम होती है, आप देखोगे SVC की susceptance कम हो जाएगी. susceptance कम होने से क्या होगा, अगर TCR है आपका, ये कोई current draw कर रहा है, आप देखोगे overall जो SVC है, ये भी जो इसकी भी डिमांड है करंट की, दैट विल आल्सो डिक्रीज. दिस इज अल्फा इक्वल टू 100 डिग्री, दिस इज अल्फा इक्वल टू 110 डिग्री, दिस इज फॉर अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 140 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 160 डिग्री, एंड एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री ससेप्टेंस ऑफ एसवीसी एज वेल एज योर टीसीआर विल बी जीरो. तो ऐसे आपकी ससेप्टेंस चेंज होती है. तो अगर हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारा एसवीसी है, इट इज ओनली कंप्राइज्ड ऑफ टीसीआर, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि वी कैन हैव ए टीसीआर विदाउट द फिक्स्ड कैपेसिटर्स, विदाउट द थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर्स, विदाउट द फिल्टर्स. उतना एफिशिएंट नहीं होगा, बट यू कैन मेक ए एसवीसी जस्ट आउट ऑफ ए टीसीआर. सो हम वही वाला केस कंसिडर कर रहे हैं. This is your TCR. इसकी susceptance. So this is your BTCR. यहाँ पर मैंने क्या consider किया है कि जो मेरा TCR है, it is alone a part of SVC. So यहाँ पर मैं जो susceptance है, I can show it like this. यही है आपके SVC की भी susceptance. So here we can say that BSVC is equal to BTCR. आप सबको सुनाई दे रहा है ठीक से, और दिखाई दे रहा है चैट में, एक बार एक्नॉलेज करो. सबको ठीक से सुनाई दे रहा है, सबको ठीक से दिखाई दे रहा है. तो यहां पर मैंने क्या कंसिडर किया है कि जो मेरा SVC है, उसका सिर्फ पार्ट है TCR. सो जो TCR की ससेप्टेंस होगी, वही SVC की ससेप्टेंस होगी. सो हियर वी कैन से दैट BSVC इज इक्वल टू BTCR. ये कब होगा, इफ TCR अलोन इज कनेक्टेड विद द सिस्टम. So from here, जो हमारी करंट है जो एस वी सी ड्रॉ कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू वी एस वी सी इंटू जे टाइम्स बी एस वी सी. जो हमने ऑलरेडी टी सी आर का रिलेशन यूज किया था, वही रिलेशन हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं. तो वहां पर क्या था, आई टी सी आर इज इक्वल टू वी इंटू बी टी सी आर, वही हमने यहाँ पर यूज किया, क्योंकि हेयर टी सी आर इज द पार्ट ऑफ एस वी सी एंड टी सी आर इज अलोन कनेक्टेड विद द सिस्टम. तो यहां पर हम लिख सकते हैं ISVC is equal to BSVC into J times PSVC.
So this is the relationship for current and susceptance of ये जो ये आपको ये relationship है, this gives the relationship between the current and susceptance of SVC. So अगर हमारी voltage constant होगी, so for a given voltage, जो current है, the current is directly proportional to susceptance. यहां पर आप क्या देखोगे, जैसे जैसे ससेप्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे करंट विल आल्सो इंक्रीज फॉर अ गिवन वोल्टेज. सो एज ससेप्टेंस इंक्रीजेस, एज ससेप्टेंस इंक्रीजेस, करंट आल्सो इंक्रीजेस. ये चीज हमें पता थी, जो बीटीसीआर था हमारा, this was equal to 1 upon omega L 1 minus 2 by pi alpha minus 1 upon pi sine 2 alpha. So here I can write your BTCR as, हमने यहाँ पर लिखा था Bmax 1 minus 2 upon pi alpha minus 1 upon pi sine 2 alpha, जहां पर आपका Bm is equal to 1 upon omega L. तो यहां पर हमने क्या देखा था, at alpha equal to 90 degree TCR क्या होता है, TCR has maximum susceptance. क्योंकि ससेप्टेंस मैक्सिमम है, जो टीसीआर है इट विल ड्रॉ मैक्सिमम करंट, इट विल ड्रॉ मैक्सिमम करंट. और मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने का मतलब जो है, इट विल ड्रॉ मैक्सिमम रिएक्टिव पावर, इट विल ड्रॉ मैक्सिमम रिएक्टिव पावर. तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, कहां से लेगा ये, फ्रॉम द बस. सो एज एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मैक्सिमम ससेप्टेंस है, मैक्सिमम ससेप्टेंस है तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहा है आपका टीसीआर, मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहा है टीसीआर, इसका मतलब है कि मैक्सिमम रिएक्टिव पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बस. तो अगर आपकी बस पे कोई सरप्लस ज्यादा रिएक्टिव पावर है, ज्यादा रिएक्टिव पावर होने का मतलब क्या होता है, कभी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं, लाइटली लोडेड कंडीशन होती है, तो लाइटली लोडेड कंडीशन में आप क्या देखते हो, ज्यादा रिएक्टिव पावर होता है प्रेजेंट ऑन द बस. इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाती है. तो अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ गई तो क्या हो सकता है, हमारे इक्विपमेंट्स जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, अगर हमने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए तो क्या होगा, वो जो हमारे कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं वो जल सकते हैं. तो आप वोल्टेज को अनचेक्ड नहीं रख सकते हो, तो तब क्या करते हो, आप टीसीआर यूज करते हो. तो अगर ज्यादा रिएक्टिव पावर आपको आपके सिस्टम पे, क्या ज्यादा वो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर है, सो आप अपने टीसीआर को कनेक्ट करोगे एंड अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री TCR क्या करेगा, वो सरप्लस जितना भी रिएक्टिव पावर है वो एब्जॉर्ब कर देगा और वोल्टेज के आपकी लिमिट्स में वापस आ जाएगी. सो एट अल्फा इक्वल टू, सो एज एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री जो ससेप्टेंस है उस टाइम पे जीरो होती है. तो इस टाइम पे क्या होता है, कोई भी ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं करता है. तो जो हमने ये ग्राफ बनाया है अभी, ये वाला, तो अगर आप देखोगे दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, द ग्राफ इज इन थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज जो टीसीआर है आपका, दिस इज अ रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट है, इट हैज नेगेटिव ससेप्टेंस. इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव ससेप्टेंस का, इट मींस इट इज अ रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट ड्रॉज रिएक्टिव पावर. मतलब जो आपका टीसीआर है इट विल ओनली एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर. ये क्या करता है, जो एक्सेस आपका रिएक्टिव पावर होता है
इन द सिस्टम, जो भी कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर होगा इसको ये एब्जॉर्ब करेगा, ये कोई भी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट नहीं करता है इनटू द सिस्टम। इसीलिए जो हमने पीछे ये कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, दिस वाज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव ससेप्टेंस। नेगेटिव ससेप्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिएक्टिव एलिमेंट एंड इट एब्जॉर्ब्स योर रिएक्टिव पावर, इट डज नॉट इंजेक्ट रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम, रादर इट एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सिस्टम। सो दिस वाज अबाउट द TCR SVC susceptance characteristic. Third characteristic है हमारा, the third characteristic is the current characteristic. Current characteristic. देखिए current characteristic क्या होता है, ये मेरा SVC है, तो आप क्या देखोगे TCR जो होता है ना, इट इज नॉट अलोन इन द, मतलब आप एक TCR नहीं लगाते हो, हमारे पास बहुत सारे TCR होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, TCR 1 पैरेलल में एक और TCR होगा, TCR 2 यहां एक और TCR होगा, TCR 3 एंड सो ऑन, जितनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी आप उतने TCRs को पैरेलल में कनेक्ट करते जाते, फिर इसी सब को, ये जो बहुत सारे आपके TCRs हैं इसको हम एक TCR से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम कहते हैं कि TCR इज कनेक्टेड टू द सिस्टम। एक्चुअली अगर आप देखोगे बहुत सारे TCRs कनेक्टेड होते हैं इन पैरेलल विद ईच अदर। ये जो करंट कैरेक्टरिस्टिक है एंड दिस इज योर टोटल SVC, SVC जो करंट यहां से ड्रॉ, या जो ये आपका टोटल जो है इसको मैं TCR बोलूंगा, ये जो आपका TCR है ये कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है, दिस इज योर टोटल करंट दैट इज ड्रॉन बाय ऑल द TCRs दैट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। So, ये टोटल करंट है जो आपका TCR ले रहा है, सो दिस करंट आई TCR। मैंने आपसे बोला कि जो ये TCR है ये अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे TCRs हैं, तो ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच कुछ ना कुछ करंट लेगी। सो दिस विल टेक IT1, दिस विल टेक IT2, ये वाली ब्रांच लेगी IT3 एंड सो ऑन अप टू ITN। करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ प्लॉट ऑफ ब्रांच करंट एज अ फंक्शन ऑफ टोटल करंट ड्रॉन बाय द TCR। तो जो आपका TCR है वो टोटल कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, जब उसको प्लॉट करते हो विद एक पर्टिकुलर कोई, आप अगर आप एक ब्रांच लोगे और वो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे, इसे हम बोलेंगे करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ प्लॉट ऑफ ब्रांच करंट as a function of total current drawn by TCR। कोई एक आप करंट लो, इस करंट को वेरी करो और देखो उससे टोटल करंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो वहां से जो आपको प्लॉट मिलेगा दैट प्लॉट विल बी कॉल्ड द करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी तक जो हम ये सारे प्लॉट्स या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, दे आर विदाउट वोल्टेज कंट्रोल। जो नेक्स्ट हमें देखना है TCR कैरेक्टरिस्टिक वो है बट विद वोल्टेज कंट्रोल। यूजुअली जो हमने ऊपर देखे विदाउट वोल्टेज कंट्रोल वी डू नॉट ऑपरेट अवर TCR, हम अपने TCR को चलाते हैं विद वोल्टेज कंट्रोल। So what is the schematic diagram of your TCR characteristic with voltage control? So this is the system bus. और इस system bus के साथ connected होता है हमारा TCR. So I'm showing the susceptance of TCR ऐसे. यहां पर एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा,
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है आपको बताएगा कि जो आपकी बस है इस बस पे अभी वोल्टेज क्या है. सो दिस इज द वोल्टेज ऑफ आवर बस और हमारे पास एक रेफरेंस होगी जिस वोल्टेज पे हम अपने बस की वोल्टेज को चलाना चाहते हैं. तो अगर दिस इज 11 केवी आपको अपना आपको टीसीआर ऐसे ऑपरेट करना है कि जो बस वोल्टेज है इट शुड ऑलवेज रिमेन एज 11 केवी. सो दिस इज द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ द बस और ये डिजायर्ड वोल्टेज है या रेफरेंस वोल्टेज है. यहां से क्या होगा एक एरर जनरेट होगा. अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा तो हमें एक एरर मिलेगा. वो एरर आपके कंट्रोलर को फीड होगा. तो यहां पर आपका कंट्रोलर होगा राइट इज एज योर कंट्रोल सिस्टम. ये आपको दिखा रहा है दिस इज द क्लोज लूप ऑपरेशन ऑफ ए टीसीआर. जो टीसीआर है इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेटेड इन क्लोज लूप. इसलिए बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द बस वोल्टेज. हमने अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट रहे. वोल्टेज शुड नॉट चेंज बिकॉज अगर आपकी वोल्टेज कम हो गई जो पावर है द पावर ट्रांसफर अलॉन्ग द ट्रांसमिशन लाइन दैट विल ऑल्सो डिक्रीज. So, हम क्या चाहते हैं कि जो वोल्टेज है हमारी इट शुड बी एट द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू एंड इट शुड नॉट चेंज. वो कैसे अब करेगा ये हमारा टीसीआर. तो वहां पर हम ये करते हैं वी यूज दिस वोल्टेज कंट्रोल. तो हम क्या करते हैं टीसीआर को ऑपरेट करते हैं इन क्लोज लूप ऑपरेशन. जो हमारा जॉब है ऑफ टीसीआर इट इज टू मेंटेन द वोल्टेज कॉन्स्टेंट. अब इसमें क्या हो रहा है एक हमारी जो बस है इसकी वोल्टेज है कुछ तो वो वोल्टेज हमने मेजर की यहाँ से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के थ्रू द वोल्टेज इज वी. यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज है या डिजायर्ड वोल्टेज जो वोल्टेज हम मेंटेन करना चाहते हैं. तो अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होगी तो क्या जनरेट होगा वी विल गेट एन एरर. दैट एरर इज फेड टू है यहाँ पर कंट्रोलर होगा पीआई कंट्रोलर होगा. जो पीआई कंट्रोलर है वो क्या करेगा इट विल प्रोड्यूस ए सम पल्सेस और ये क्या करेंगे हम जनरेट करेंगे फायरिंग पल्सेस. हमारा क्या हुआ ये वोल्टेज थी जो करंट वोल्टेज है ये रेफरेंस वोल्टेज. अगर इन दोनों में डिफरेंस होगा एक एरर जनरेट होगा वो एरर जाएगा टू ए पीआई कंट्रोलर और उसके बाद क्या करेगा हम क्या करें इसके आगे फिर और भी आपके सिस्टम लगा होता है. तो ये जो आपका कंट्रोल सिस्टम है ये अल्फा के वैल्यू को चेंज करेगा. तो जब आप अल्फा के वैल्यू को चेंज करोगे आपकी ससेप्टेंस चेंज होगी और जब ससेप्टेंस चेंज होगी करंट ड्रॉन बाय द TCR जो है that will also change. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा का वो वैल्यू अगर हमारे पास सिस्टम में कोई सरप्लस रिएक्टिव पावर है. आपने क्या किया लाइटली लोडेड लाइन है वोल्टेज अभी क्या हो रही है ज्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर लाइन में बहुत ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि जो हमारी वोल्टेज है जो सिस्टम वोल्टेज है ये इंक्रीज हो गई. ये नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो रेफरेंस वैल्यू से क्योंकि ये ज्यादा है एक एरर जनरेट होगा. वो एरर प्रोसेस होगा By this controller और ये क्या करेगा ये firing pulses issue करेगा. firing pulses कैसे issue होगी ये ऐसा alpha का value लेगा कि ये जो surplus reactive power है ये current को adjust करेगा. alpha का ऐसे value देगा कि वो जितना भी surplus reactive power है वो आपका ये TCR absorb कर देगा. तो जब excess reactive power absorb कर दिया आप देखोगे ये जो आपकी voltage है it will start decreasing and finally ये reference value के बराबर हो जाएगी. तो जब V will be equal to Vref उस टाइम पे क्या होगा जिस वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा है उस वैल्यू पे इसको ऑपरेट करने दो. तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा टू यूज योर टीसीआर विद दिस क्लोज लूप सिस्टम. जो ऑब्जेक्टिव है इट इज टू मेक द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक वी इक्वल टू वी रेफ. जहां पर ये वी रेफ क्या है हमारा रेफरेंस और डिजायर्ड वोल्टेज. यहां पर हमने क्या किया हम जो भी एरर होता है एरर
एरर आपके इधर सिस्टम में जाएगा और अल्फा का कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये जो आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या करता है, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ योर फायरिंग एंगल। तो जब फायरिंग एंगल एडजस्ट होता है तो TCR विल एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड, जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना रिएक्टिव पावर आपका TCR इट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द बस एंड द बस वोल्टेज विल बी मेंटेन्ड एज कॉन्स्टेंट।